क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मिसलेनियस एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले कर लिए, सो हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स तो यहां पे आप देखें x बिलोंग्स टू 0 to 1 है। अब देखिए हमारे पास बाहर हम भी यहां पे क्या लेंगे, टेकिंग आरएचएस लेंगे और उसको हम एलएचएस के बराबर पुट करेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बड़ी एक्सप्रेशन को लें और उसको छोटी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। तो टेकिंग आरएचएस 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x / 1 + x एक्स बिलोंग्स टू हमें दिया गया 0 to 1। अब यहां पे हमारे पास जो बाहर फंक्शन है वो कॉस इनवर्स है और अंदर यहां पे हम लोग इस एक्स को इस तरह से यहां पे हम लोग एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जब ये टोटल फंक्शन बने ये हमारे पास किस में बन जाए, ये टोटल फंक्शन हमारे पास कॉस की शेप में बन जाए। तो क्या करेंगे हम यहां पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमने थीटा की वैल्यू जब यूज करेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी गेट, वी गेट वन बाय टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 - tan²θ / 1 + tan²θ और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये है आइडेंटिटी cos 2 थीटा की, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। इसको मैं थोड़ा सा क्या बन गया है cos 2 थीटा। अब वैसे तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हमारे पास 2 थीटा होना चाहिए बट यहां पे हमारे पास वो लिमिट नहीं है तो हम देखेंगे हियर जीरो इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 और हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, 0 is less than equal to tan square theta is equals to is less than equal to tan theta और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 is less than equal to tan theta is less than equal to sorry ये tan theta नहीं लिखा जाएगा This is 1 and this is also 1। अब आप इसको tan की शेप में कन्वर्ट करेंगे तो tan 0 is less than equal to tan theta is less than equal to tan pi by 4 और हमें इससे क्या मिला, 0 is less than equal to theta is less than equal to pi by 4।
लेकिन हमें ढूंढना किसको है, टू थीटा के लिए चेक करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज लेस देन इक्वल टू टू थीटा इज लेस देन पाई बाय टू। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, यस सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इज 0 to π, therefore 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2θ को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2θ उसके प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर आ रहा है, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 2θ। अब आप देखें यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स, क्या था ये, दिस इज टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स, तो प्रूफ हमें यही प्रूफ करना था, सो इट इज प्रूफ्ड। तो आपने यहां पे जो चीज देखी वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड किया कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले ना मैं आपको एक आइडेंटिटी बताना चाहूंगा। आइडेंटिटी इज कि अगर हमारे पास 1 plus sin 2x कभी गिवन है, तो हम इस 1 को लिख सकते हैं इस तरह से, 1 को लिख सकते हैं, 1 की जगह पे आ सकता है sin स्क्वेयर एक्स प्लस cos स्क्वेयर एक्स प्लस 2 sin x cos x, और अगर यहां पे 1 माइनस लिखा गया होगा तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा, और यहां से हम लोगों को ये आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, ये हम लोगों को मिल जाएगी, या तो हम इसको लिखेंगे cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, या फिर हम इसको माइनस लगाएंगे नीचे, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर माइनस का साइन है तो फिर ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हमारे पास 1 plus sin x है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स माइनस नहीं प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और अगेन अगर यहां पे माइनस है तो हमारे को यहां पर माइनस मिलेगा, एंड हमें ये फाइनली क्या मिल सकता है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। और यहां पे बात हो जाएगी माइनस की, तो अगर प्लस का है बीच में तो प्लस रहेगा और अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला गया है कॉट इनवर्स इसको तो हम हटा ही देते हैं ना फिलहाल, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 plus sin x रूट ऑफ 1 plus sin x प्लस रूट ऑफ 1 minus sin x
होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स। और नाउ अब आपके पास ये जो वन प्लस साइन एक्स है, ये अभी हम लोगों ने देखा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट इट एज कॉट इनवर्स ये आएगा आपके पास हम इसको ना कॉस केयर एक्स बाय टू पहले लिख देते हैं, कॉस केयर एक्स बाय टू प्लस साइंस केयर एक्स बाय टू प्लस है तो प्लस आ जाएगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, बीच में है प्लस का निशान, ये आ जाएगा रूट के अंदर प्लस या जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। डिनोमिनेटर में भी देखिए ऐसा ही रहेगा, आपके पास वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स है तो ये तो सेम ही रहेगा। चलिए देखें, सिर्फ बीच में माइनस का निशान आएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। और अब हम जब इसको ओपन करेंगे ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले तो ये बनेगा कॉट इनवर्स, न्यूमिरेटर में बन जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर होल अंडर रूट प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर अंडर रूट, यहां भी ऐसे ही आएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर और यहां माइनस रहेगा तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कटेगा, इसका स्क्वायर और रूट कटेगा, ओके ये रूट और स्क्वायर कटेगा, इसका रूट और स्क्वायर कटेगा, राइट। बचेगा क्या, हमारे पास बच जाएगा कॉट इनवर्स, न्यूमिरेटर में बच जाएगा देखें कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू माइन प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय
हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू ओ, प्लस साइन एक्स बाई टू ओ, और जब ये माइनस इसके साथ लगेगा ना बेटा, ये माइनस कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा और ये प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। आप देखें प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, तो हमारे को मिलेगा क्या, हमें मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ टू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, और आपके पास पुत्र जी ये टू और टू भी कट जाएगा, सो व्हाट वी गेट, वी गेट कॉट एक्स बाई टू। अब देखिए हमारे पास सिंपल सी बात है, इसने हमें खुद से ही दिया गया है कि एक्स जो है वो जीरो टू पाई बाय फोर, और ये कॉट की बात हो रही है ना, तो x बाय टू भी इसकी इससे कम लिमिट में होगा, तो हमारे पास ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा x अपॉन टू। तो दिस इज द प्रूफ, सो वी हैव गॉट दिस थिंग। हम लोगों को जो ध्यान में रखा, हम लोगों ने ये दो आइडेंटिटीज पढ़ ली, और ये आइडेंटिटीज हमें आगे भी बहुत काम आएंगी, इसलिए इसको पढ़ना और करना बहुत जरूरी था। तो आप इसको एक बार समझ दीजिए, नोट करिए, देखिए, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, और हमें गिवन है माइनस वन अपॉन रूट टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम इसको लेके चलेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कभी भी वन प्लस एक्स या वन माइनस एक्स है तो हम उसको कॉस थीटा या कॉस टू थीटा लेके चलते हैं। तो अब एलएचएस को लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, टेन इनवर्स दिस इज रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो हम लोग यहां पर भी क्या लगाएंगे, यहां पर भी हम यूज करेंगे कॉस टू थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स के अंदर है। तो हम लिखेंगे क्या, पुट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टू थीटा, वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट रहेगा जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो वी गेट अब इसको हम सब लोग ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स क्या जाएगा,
वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा होल डिवाइडेड बाय ये बनेगा वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस ये रूट इसके ऊपर है पूरा एंड वन माइनस कॉस टू थीटा। हम सबको क्या पता है, हम सबको पता है बेटा कि वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। राइट, हम यहां पे लिखते हैं वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। होल डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो कॉस थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा। अभी एक हम और बड़ी इंपॉर्टेंट सी डिडक्शन देखेंगे यहां पे, ये आएगा टू कॉस थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा। दिस इज टेन इनवर्स रूट टू कॉमन ले लीजिए न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों से, ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखें पुत्र जी ये रूट टू और ये रूट टू कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बनेगा टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये बात आप लोग ना गांठ बांध दीजिए कि जब हमारे पास ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा या उल्टा, उल्टा क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कभी भी इस फॉर्म में आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगी तो उस एक्सप्रेशन में आपने हमेशा डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आपने कॉस थीटा से डिवाइड करना है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इससे हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी दैट। हमने बाहर टेन है ना तो हमने इसकी टेन की आइडेंटिटी बनानी है, कैसे बनेगी लेट अस सी दैट। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू टेन इनवर्स दिस इज वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ओके, ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वन है इस वन को मैं लिखूंगा टेन पाई बाय फोर,
और इसको मैं लिखूंगा 1 into tan theta, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को अगर tan pi by 4 लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट उससे हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी, तो लेट अस सी दैट की क्या समस्या हल होने वाली है और हमें कैसे बात पता चलेगी। तो यहां देखते हैं हम लोग, चलिए पार्टीशन कर लेते हैं पहले, बिकॉज मुझे बिना पार्टीशन के मजा ही नहीं आता। चलिए जी यहां से भी एक पार्टीशन कर लेते हैं, एंड यस। चलिए अब ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया कि ये है टैन इनवर्स, न्यूमिरेटर आ जाएगा टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं वन प्लस, इस वन को वन इंटू टेन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप में इस वन को भी, जो नीचे हमने एक्स्ट्रा वन जो हमने मल्टीप्लाई में लिया, मल्टीप्लिकेशन में लिया, इसको भी अगर मैं टेन पाई बाय फोर लिख दूंगा तो मेरी ये आइडेंटिटी बन जाएगी, टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, सॉरी माइनस टेन थीटा अपॉन टेन पाई बाय वन प्लस टेन पाई बाय फोर इंटू टेन थीटा। And this becomes tan inverse of tan pi by 4 minus theta. This is tan pi by 4 minus theta. अब हमें ये पता है tan inverse of tan theta equals to theta होगा अगर वो principal values में lie करेगा. Now we need to check कि ये जो pi by 4 minus theta है क्या ये principal values में lie कर रहा है? इसके लिए हम लोगों को उन्होंने हिंट दिया है, उन्होंने दिया है कि एस माइनस वन बाय रूट टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन बाय रूट टू इज लेस देन इक्वल टू कॉस 2 थीटा, क्योंकि x को हमने 2 थीटा लिया था, इज लेस देन इक्वल टू 1, माइनस 1 बाय रूट 2 को हम लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाय 4, ध्यान से अब देखना ये छोटी चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, माइनस कॉस पाई बाय 4, क्योंकि 1 बाय रूट 2 कॉस की अगर देखेंगे तो माइनस पाई बाय कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू है, तो माइनस बाहर रहेगा, इज लेस देन कॉस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस 1, कहाँ पे आता है 0 पे आता है, लेकिन नेगेटिव कॉस कब होता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो हम इसको लिखेंगे इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, नेगेटिव था तो इसको हमने 180 माइनस थीटा ले लिया, इज लेस देन इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस 0, राइट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 4, वाओ, क्यों, हम लोग जब कॉस को हटाते हैं तो एंगल उल्टा हो जाता है, हम लोगों ने हमेशा ये बात समझी है, ये 3 पाई बाय 4 तो है लेकिन जब हम इसका कॉस हटाएंगे तो एंगल्स रिवर्स हो जाते हैं, 0 इज लेस देन 2 थीटा इज लेस देन 3 पाई बाय 4, बट हमें चेक करना है पाई बाय 4 माइनस थीटा को, तो आई विल बी राइटिंग इट एज चेकिंग इट कि यार ये जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 8, दो सबको 2 से डिवाइड कर दिया, देन माइनस थीटा देखते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू, अब क्या जब माइनस वाली वैल्यू होगी तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस 3 पाई बाय 8
इज लेस देन इक्वल टू माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और जब पाई बाय फोर इसमें ऐड करूंगा तो आएगा पाई बाय फोर माइनस थ्री पाई बाय एट इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय फोर। अब यहां से हम लोगों को फाइनली क्या मिलने वाला है, यहां से हम लोगों को मिल रहा है ये माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय फोर माइनस थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय फोर। ये जो मैंने ब्लू पेन से पोर्शन लिखा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर 8-6 मार्क्स का आता है तो फिर आपको ये वैसे भी दिखाना ही पड़ेगा। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि यार ये हमारी टेन की प्रिंसिपल वैल्यूज में फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इट लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे therefore, तो देखिए जब तक हम वो नहीं बताएंगे ना कि ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई करता है तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। तो therefore हम लोग इसको लेके चलेंगे tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना, tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 माइनस थीटा is equals to pi by 4 minus theta, और theta की value अगर हम लोग लगा दें so this becomes pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारी बात एकदम प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, so this is proved। तो this is a very very important question, बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी यहां पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक तो ये देखा कि हमारे पास कैसे, अगर हम लोगों ने सीखा हमारे पास अगर अंडर रूट के अंदर x है, 1 प्लस x है या 1 माइनस x है, तो हम cos 2 थीटा लेते हैं, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। फिर हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया और हमने देखा कि ये cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा की शेप में आ रहा है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स यहां मिडल में लिख लेता हूं, थोड़ा अटपटा लग रहा था ऊपर, एंड देन उसके बाद फिर हमने इसको tan की आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, वी हैव सीन दैट। और जब tan की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, तो हमने देखा कि ये क्या बन गया, ये tan pi by 4 minus x की फॉर्म में बन गया। एंड देन फिर हम लोगों ने इसकी आइडेंटिटी यूज की tan a plus tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, जिसको हमने tan a minus b लिखा। फिर ये लिमिट्स हम लोगों को गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने इसको यूज करके पहले प्रूव किया कि यार ये जो है, जो ये tan ऑफ pi by 4 minus theta है, ये उसकी प्रिमिसिबल वैल्यूज में आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में अगर आ रहा है तो ही हम इसको पाई बाय फोर माइनस थीटा लिख सकते थे, और फिर हमने थीटा का वैल्यू हमने यूज कर लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको बड़े अच्छे से नोट करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास दिया गया है 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 is equals to 9 upon 4
साइन इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज नाइन पाई अपॉन एट माइनस नाइन अपॉन फोर साइन इनवर्स वन बाई थ्री। सबसे पहले यहां पे नाइन अपॉन फोर कॉमन ले लीजिए जो हमें दोनों में से दिख रहा है, तो पीछे बचेगा क्या, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री। अब यहां पे हम बात करेंगे पाई बाय टू जो है, पाई बाय टू को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन, क्योंकि पाई बाय टू किसका, पाई बाय टू पे साइन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो पाई बाय टू कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री। अब अगर हम लोग अंदर देखें तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पे बन गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, एंड वी नो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या रहता है, ये साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसी को यूज करेंगे, वी गेट व्हाट वी गेट, ये जो नाइन अपॉन फोर है ये तो बाहर ही रहेगा एज इट इज, ये बन जाएगा आपके पास। अब इसको हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स वन इंटू रूट वन माइनस वन बाई थ्री स्क्वेयर माइनस वन अपॉन थ्री इंटू वन माइनस वन स्क्वेयर। तो बच्चे ये बन जाएगा हमारे पास नाइन अपॉन फोर इंटू साइन इनवर्स, दिस इज वन माइनस वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू जीरो, ये आ जाएगा आपके पास नाइन अपॉन फोर साइन इनवर्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नाइन माइनस वन यानी एट अपॉन नाइन, एंड दिस इज नाइन अपॉन फोर साइन इनवर्स रेट रूट एट अपॉन नाइन, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ एट यानी टू रूट टू अपॉन थ्री, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू आर एच एस, ये हमने प्रूव कर दिया, सो वी हैव प्रूव दिस थिंग, बिकॉज यहां पे हमने जो चीज देखी वो क्या था, रूट ऑफ एट को हम लोग लिख सकते हैं टू रूट टू, एंड नाइन को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नाइन विल बी थ्री, सो दैट इज वाई हमारे पास जब हमने इसको स्क्वायर रूट हटाया तो इट बिकम्स टू रूट टू अपॉन थ्री यहां पे, तो इट बिकम्स इक्वल टू दिस। सो दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा था ये, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था हम लोगों के पास, सिर्फ हम लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि जो हमने 9 अपॉन 4 कॉमन फाइंड आउट किया यहाँ से, तो जब 9 अपॉन 4 कॉमन फाइंड आउट किया तो बाकी की सारी चीजें तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ना जब ये हमसे बात करता है सॉल्व द इक्वेशन, जब भी ये कभी कोई बात कर रहा है किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी एग्जामिनर कोई भी मैथमेटिशियन कोई भी बुक वाला कभी भी ये बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 में इसने हमें बोला 210 cos inverse x is equals to 10 inverse टू कोसेक एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। देखिए जी, ये तो 210 इनवर्स हमारे पास गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 इनवर्स, 210 इनवर्स x क्या होता है, 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 कोसेक एक्स। अब चीजें सिंपल सिंप्लीफाई हो जाएंगी, 10 इनवर्स हम छोड़ देते हैं, दिस इज 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोसेक एक्स, और इसको हम लिख लेंगे 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन एक्स। आप ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये स्क्वायर और साइन एक्स कैंसिल कर सकते हैं, और ये हमारे पास 2 नहीं था, सॉरी। तो हमारे पास मिला क्या हम लोगों को, अब हमारे पास आ गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना था बेटा, तो इस x की वैल्यू हमें पास क्या मिल गई, हमें इस x की वैल्यू पाई बाय 4 मिल गई। सो दिस इज द आंसर फॉर x। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इस तरह से हमने 4 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। आप लोग बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं। काइंडली शेयर दिस वीडियो, शेयर द अदर वीडियोज ऑल्सो। आपको एक फायदा अगर हो रहा है तो आप आगे भी अपने दोस्तों और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। डू लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, गिव लाइक टू वीडियोज एंड डू कमेंट। सो सी यू, साइनिंग ऑफ फॉर टूडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, विद द सेम एंथुसियाज्म, सेम जी। जय हिंद।